खान साहब बॉलीवुड में काफ़ी शादी यू नो शादी का सीन है, तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ की शादी होने वाली है, तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जैसे हाल ही में न्यूज़ आई है मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ जरूर तुमको मैं न्योता भेजूंगा मैं, हाँ मेरा कार्ड आएगा रिसेप्शन, और ना मेहंदी पे जरूर आना, ठीक है? यार वो आनंद राय साहब ही करेंगे, अभी तो हम सब लोग काम में मसरूफ थे। कल परसों हमारी शूटिंग आखिरी, फिर उसके बाद पैच वर्क रह गया था थोड़ा सा, तो वो ख़त्म करूँ, तो फिर आनंद सर ही वो मुझे बोलते हैं इस फिल्म के बारे में सिर्फ मैं बात करूँगा तुम मत करो, तो मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगा, वही करेंगे। यार मुझे जेन्युइनली मालूम सारा कुछ जो है कलर येलो कर रहे हैं, द होल क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म इज़ हैंडल्ड बाय कलर येलो, तो थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द विजुअल इफेक्ट्स, तो हर चीज़ में वक्त लगता है, सो यू नो इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर फिल्म कि आज डिसाइड किया परसों बन गया, तो हमने डिसाइड किया हुआ है लेकिन कब तक बन के तैयार हो जाएगा वो आनंद सर और उनकी टेक्निकल टीम को मालूम है, विजुअल इफेक्ट्स एक्चुअली इसको मालूम है, सो वो लगे हुए कोई मुझे भी पता नहीं है कब है, मैं एक्चुअली मैंने उससे अपने आप को बाहर रखा हुआ है बिकॉज जो मुझे काम करना पड़ता है फिल्म में वो बहुत इंजॉयबल है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए मैंने कहा मैं इससे दूर रहता हूँ क्रिएटिव एस्पेक्ट से और मार्केटिंग से। आपकी वीडियोस देखते रहते हैं हम इंस्टाग्राम वगैरह पे, काफ़ी आप उसी के जरिए आजकल हम लोग इंस्पेक्ट कर मतलब देख पाते हैं आप। हाँ यार मेरे को सब बोलते हैं ऐसे इंस्टाग्राम पे कुछ कर दो, बहुत दिन हो गए क्या वो इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दो, तो मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी मैंने सीख लिया, पूरा नहीं सीखा लेकिन मैं कर रहा हूँ। शायरी वगैरह भी मतलब आती कई बार ऐसा बताते हैं शायरी मतलब कुछ वर्ड्स जो वो नॉर्मल होगा शायरी साउंड करता होगा मेरे मैंने लिखा तुमने लिखा आपने लिखा था नहीं भाई किसी और का देख रहा किसी और टू बी ऑनेस्ट आई लुक फॉरवर्ड टू दिस वोग आई वॉन्ट टू थैंक जो इस वोक के करता धरता हैं प्रिया और अनाइटा और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझको उन्होंने ऐसे अल्टीमेट क्या अल्टीमेट मैन ऑफ द डेकेड अवार्ड दिया है जिससे मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है और उन्होंने मेरी बेटी को वोक के कवर पे डाला जो नेक्स्ट है तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट और मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतनी बड़ी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मुहैया है उनको दिया गया है सो उनको और भी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी ऑल द चिल्ड्रन जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं उनको कुछ ना कुछ एंटाइटलमेंट मिलती है क्योंकि वो फिल्मों के कलाकारों के बच्चे हैं बट आई थिंक इफ़ यू आर एबल टू गिव देम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विल डू बेटर सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वोग हैज़ बीन सो काइंड।